बहुत टाइम बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ। ऐसी मेरी वीडियो बहुत धीरे धीरे आ रही है, इसकी वजह ऑनलाइन क्लास है। एक सीक्रेट बताऊँ, मैं तो ऑनलाइन क्लास लेता ही नहीं, वो तो बस ऐसी बहाना है, किसी को बताना मत, ठीक है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 8 अननोन फैक्ट्स अबाउट मिस्टी के बारे में। मिस्टी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कैरेक्टर रही है बहुत सारे लोगों की, मेरी तो, मेरी भी ठीक है, ठीक है ना। बहुत सारे कांटो रीजन में उसे दिखाया गया था, और वो सेरेलियन जिम की लीडर है शायद, मेरे को जिम का नाम ठीक से याद नहीं। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं उसके कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर आपको पता हो वो फैक्ट्स, कमेंट में लिखना कि आपको कौन कौन से फैक्ट पता हैं। वैसे मैं श्योर हूँ कि कुछ फैक्ट्स आपको नहीं पता होंगे। सो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, नंबर 1 पे जो फैक्ट है वो है कि मिस्टी के कोई पेरेंट नहीं है। हमें अभी तक एनिमे में मिस्टी का कोई पेरेंट नहीं दिखाया गया है, हमें बस इतना दिखाया गया है कि मिस्टी की सिस्टर ही उसका ध्यान रखती हैं। और गाइस, मिस्टी को बचपन से उसकी बहनों ने ही पाला है, और वो उससे बहुत प्यार भी करती हैं, जो आपने देखा ही होगा। गाइस, बढ़ते हैं सेकंड फैक्ट की तरफ। गाइस, सेकंड फैक्ट जो है वो है कि ऐश एक मछली पकड़ते वक्त एक स्पेशल चारा यूज़ करता है, जो कि मिस्टी की डॉल बनी होती है, जिस पर मिस्टी का वैसे फेस बना होता है उस पे। अगर आपने देखा है तो देखा होगा किसी ना किसी एपिसोड में, बहुत बार दिखाया है, पर अभी मैं फ़ोटो भी दे रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। गाइस, बढ़ते हैं नंबर 3 फैक्ट की तरफ। नंबर 3 पर जो फैक्ट है वो है कि मिस्टी टोकेपी की ट्रेनर नहीं है। गाइस, ये वाली बात अब मैं आपको बताता हूँ, रुको। देखो, जैसे मिस्टी को ऐश का अंडा था वो जो टोकेपी का था, पर उसके बाद उनमें इतने मैच हुए, इतने मुकाबले हुए कि उसके बाद वो मिस्टी ने ले लिया। पर मिस्टी ने अभी तक टोकेपी को पोके बॉल में पकड़ा ही नहीं है ना शुरू से एंड तक, तो इस हिसाब से मिस्टी उसकी ट्रेनर नहीं हो सकती। पर और मिस्टी ने उसे टोएटिक तक एवॉल्व भी किया था टोकेपी को। अगर आपने उसका कमबैक देखा है तो शायद होनेन में हुआ था। गाइस, बढ़ते हैं नंबर 4 फैक्ट की तरफ। और नंबर 4 पे जो फैक्ट है वो है कि मिस्टी कैरेक्टर सबसे ज़्यादा गुस्से वाला कैरेक्टर है पूरे के पूरे पोकेमोन यूनिवर्स में, या फिर पोकेगर्ल्स में। उसको सबसे ज़्यादा गुस्सा करते हुए दिखाया गया है, और लोग कहते हैं कि वो तो जैसी से भी ज़्यादा गुस्सा करती है। और गाइस, 5th फैक्ट में ये है कि आपको तो पता ही होगा कि मिस्टी बहुत सारे बग पोकेमोन से नफरत करती है, पर कुछ पोकेमोन ऐसे हैं बग वाले जिन्हें मिस्टी पसंद करती है, जैसे ऐश का बटरफ्ली और ट्रेसी का वेनोनाट। ऐसे बहुत सारे बग पोकेमोन हैं जिनको मिस्टी पसंद करती है, ना कि उनसे डरती है। और गाइस, नंबर 6 पर बढ़ते हैं। और नंबर 6 पर जो फैक्ट है कि मिस्टी के पास एक ऐसा पोकेमोन है जो कि मेगा एवॉल्व हो सकता है। अब आप बोलोगे कौन सा, तो वो अभी अभी दिखाया गया है, और जो मेगा एवॉल्व पोकेमोन है वो है मिस्टी का गैराडोस। मिस्टी ने एक एपिसोड में अपने गैराडोस को मेगा गैराडोस में भी एवॉल्व किया है, पर वो तो अभी नई सीरीज में किया था ना, अलोला में। हाँ गाइस, 7 की तरफ बढ़ते हैं। और 7 फैक्ट जो है वो है कि मिस्टी एक बार हमें एक एपिसोड में मरती हुई दिखाई गई है। और मिस्टी, मतलब आपने एक हॉन्टर वाला एपिसोड देखा होगा जिसमें वो लोग हॉन्टर के पास जाते हैं, मतलब हॉन्टर कोई गोस्ट है पोकेमोन पकड़ने सबरीना से लड़ने के लिए, तब मिस्टी को एक हॉन्टर उसकी आत्मा ले लेता है जिसकी वजह से वो मर जाती है, पर बाद में हॉन्टर उसे मतलब जिंदा भी कर देता है। पर हमें एक बार मरते हुए दिखाया गया है मिस्टी को। और गाइस, मिस्टी एक ऐसा लौता कैरेक्टर है जिसके सबसे ज़्यादा कमबैक हो चुके हैं पूरे पोकेमोन यूनिवर्स में, हमने बहुत बार उसके कमबैक तो देखे भी होंगे। और गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं जानता हूँ कि आपको बहुत सारे फैक्ट्स नहीं पता होंगे, और पता थे तो फिर कमेंट्स में लिख दो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कर देना। चैनल को लाइक करनी, फिर से बोल दी यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कर देना लाइक। गाइस, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक ले, बाय बाय।